इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन SUV के बारे में जो दिवाली तक लॉन्च होने वाली है। तो सभी जानते हैं कि आज SUV का ही ट्रेंड है और सारी कंपनियां भी लगी हुई हैं ताकि वह गाड़ियों को दिवाली से पहले लॉन्च कर सकें, ताकि सभी दोस्तों को घर में उनके पसंद की गाड़ी आ जाए। और ऐसे ही सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे और आप सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग कार्स रिव्यू, कंपैरिजन और सभी टाइप्स के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो अब बात करते हैं अपने वीडियो की तरफ, यानी कि आने वाली गाड़ियों की तरफ। तो देखा जाए पहले SUV के बारे में, तो वह है वेन्यू एन लाइन जो सितंबर में आने वाली है। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें क्विक चेंजेस किए जाएंगे, जैसे टर्बो चार्ज आपको मिल जाएगा और काफ़ी कॉस्मेटिक चेंजेस भी आपको देखने मिलेंगे। थोड़े बहुत डिजाइन में भी हेयर बदल किया जा सकता है। तो वहीं देखा जाए अपनी दूसरी गाड़ी को, तो महिंद्रा की XUV400 इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी महिंद्रा भी लॉन्च करने वाली है। इसे लॉन्च करने वाली कंपनी इसे 8 सितंबर को लॉन्च करेगी। इस गाड़ी का कंपटीशन होने वाला है टाटा नेक्सन EV के साथ, जो कि एक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। महिंद्रा ने बहुत अच्छा ही किया कि जो कि अपने EV गाड़ियों को लाया। तो आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं, फिर भी गाड़ी लॉन्च होगी तो इस पर प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। और वहीं बात करें अपने थर्ड पोजीशन की गाड़ी, तो वह है MG ग्लोस्टर, जिसका अभी टीज़र भी लॉन्च किया गया था और आप सभी ने भी लगभग इस टीज़र को देख ही लिया होगा। इसमें कम्फर्ट, इंटीरियर और कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे। इसके इंजन में कुछ खास फेर नहीं किया जाएगा, वही इंजन आपको पुराने वाले ही देखने को मिलेंगे। बारी कुछ चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके डिज़ाइन में कुछ आगे पीछे किया जा सकता है, तो यह एक गुड न्यूज़ था MG के कस्टमरों के लिए MG के तरफ से। वहीं देखें अपने दूसरी गाड़ी के बारे में, तो वह है MG की हेक्टर फेसलिफ्ट भी आने वाली है, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आने वाली है, क्योंकि MG ने ही सबसे पहले फीचर्स आता है। और हमें यह भी पता है कि इसमें कुछ ना कुछ बड़ा ही फीचर्स आने वाला है, क्योंकि MG हमेशा अपने कस्टमर्स को सरप्राइज देते रहता है। तो पाँचवें नंबर की गाड़ी है दोस्तों टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाई राइडर। तो इस गाड़ी के वेरिएंट को भी लॉन्च किया जाएगा और अब ये प्रोडक्ट कंपनी रेडी भी कर चुकी है लॉन्च के लिए। यह गाड़ी बहुत सिमिलर होती है मारुति की विटारा ब्रेजा से। और छठे नंबर पे अब इन सभी गाड़ियों को टक्कर देने आ रही है मारुति ग्रैंड विटेरा। इस गाड़ी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दोनों में ही लॉन्च किए जाएंगे। इस गाड़ी को भी कुछ ही दोनों में लॉन्च कर दिया जाएगा। सितंबर के 2nd वीक तक यह गाड़ी आपको मिल जाएगी। मारुति हमेशा ही सभी को टक्कर देती है और यह गाड़ी भी आने वाले समय में बहुत सी गाड़ियों को टक्कर देगी। वहीं अगली गाड़ी है किया सोनेट एक्स लाइन। ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। तो अब एक्स लाइन प्रोडक्ट किया भी अपने सभी गाड़ियों में देने लगी है, जैसे मारुति में एन लाइन, एक्स लाइन, ऐसे ही किया की भी एक्स लाइन मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। और बात करें अपने लास्ट गाड़ी की, तो वह है अपडेटेड महिंद्रा XUV300। इस गाड़ी में नया इंजन आपको मिल रहा है, जो कि 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज हाइब्रिड इंजन होने वाला है, जो कि 130 bhp की पावर देगी। यह गाड़ी पहले से ही बेटर होगी। इंटीरियर और एक्सटीरियर में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी गाड़ियाँ कैसी हैं कैसी नहीं, ये तो बात पता चलेगा इनके लॉन्च होने के बाद ही। तो अब यह देखते हैं कि इन सभी गाड़ियों में से सबसे बेस्ट कौन सी साबित होती है और आप किस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।